तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे क्लैन में। चलिए अब बढ़ते दूसरी आईडी की तरफ। देखिए इस बार भी TS10 ओपोनेंट्स भी अटैक करना है, जैसे लास्ट टाइम किया था TS9 वर्सेस TS10 अटैक्स करने हैं इस बार भी। तो पहले दूसरों के अटैक एक्सपेक्टेड कर लेते हैं। चलिए अब अपने TS14 आईडी से अटैक ट्राई करते हैं पहले। देखिए जो आर्मी यूज हम करते हैं वो हो चुकी है रेडी। हीरोज बूस्ट कर लेंगे और चलिए बढ़ते हैं अटैक की तरफ। नंबर वन पर ट्राई करेंगे अटैक। देखिए ये बेस है, यहाँ पर जो है वो एयर डिफेंस लेवल 11 का है, यानी कि हमारी लेवल 8 की लाइटनिंग से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। चलिए ट्राई करते हैं अटैक, लेट्स गो गाइस। जैप, तो चलिए अब सारे हीरोज छोड़ देंगे। यहां पर हमारा फ्रीज वेस्ट हो चुका है। और इसी के साथ टाउन हॉल डाउन हो चुका है और हमारा अटैक भी फेल हो चुका है। चलिए हमें एटलीस्ट 1 स्टार तो मिल गया। चलिए अब दूसरे अटैक स्टार्ट होते हैं वो उन्हें देखते हैं। और अभी हम इस पोजीशन पर है, अब सीधा ऊपर आने की कोशिश करते हैं। इतना डाउन हम इसलिए हुए क्योंकि लास्ट जो हमारा क्लैन जिससे सामना था वो बहुत ही खतरनाक क्लैन था, जैसे कि आपको बताया था, तो उसमें हम बहुत ही कम स्टार ले पाए थे। अब इस वॉर में मैक्सिमम स्टार लेने की ट्राई करेंगे। सो चलिए अब हमारा कोशिश जारी रखते। यहाँ पर भी देखिए TS9 वर्सेस TS10 अटैक है।
इन्फर्नोस दोनों मल्टी पर है, सो चलिए देखते हैं अटैक हो पाता है या नहीं सक्सेस। अब हीरोज पहुंच चुके हैं सेंटर में और ये सीसी में से निकल चुका है बेबी ड्रैगन और ड्रैगन, सो उस पर फ्रीज एंड देन पॉइजन डाल देंगे। अब एक मल्टी इन्फर्नो बचा है, वो भी डाउन हो जाए तो फिर टेंशन नहीं रहेगा इतना। चलिए मल्टी इन्फर्नो हो चुका है डाउन, लेकिन गाइस ये बेस बहुत ही खतरनाक था, ऑलमोस्ट टीएच 10 मैक्स था, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है अब हमारे प्लेयर के लिए अटैक करने के लिए, देख सकते हैं आप। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एटलीस्ट 2 स्टार तो मैनेज कर पाए। एक बारबेरियन बचा हुआ है, चलिए अब बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट आईडी की तरफ। यहाँ पर जो है वो डोनेशन के लिए ट्रूप्स रेडी कर लिए मैंने, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आईडी की तरफ अटैक करने के लिए गाइस। यहाँ पर देखिए सेम आर्मी जो लास्ट टाइम यूज की थी, पॉइजन के साथ बॉलर्स सीसी के अंदर, और अब आर्मी बूस्ट कर लेंगे और हीरोज भी बूस्ट कर लेंगे कि टीएच 9 वर्सेस टीएच 10 अटैक है हमारा। लेट्स रोल ऑन फॉर द अटैक गाइस। नंबर 23, तो मेरा मिरर है नंबर 23, चलिए करते हैं अब उस पर अटैक ट्राई। यहाँ पर देखिए मोस्ट डैमेज एरिया ये है, लेकिन हमें टीएच भी चाहिए इसलिए हम इस तरफ से अटैक करेंगे और सीसी की साइड पर रखेंगे आर्चर क्वीन को, कि सीसी को आर्चर क्वीन ही बराबर टैकल कर सकती है। चलिए 4 विचेस, 2 हीलर्स और यहाँ पर आर्चर क्वीन के साथ 3 हीलर्स। पहले इन्हें थोड़ी देर अपना काम करने देंगे, फिर डालेंगे बाकी के सारे ट्रूप्स। चलिए अब डाल देते हैं सारे ट्रूप्स। और ये सीसी में से निकल चुके हैं बेबी ड्रैगन, ड्रैगन और बलून, तो उन पर डाल देते हैं फ्रीज। और अब हमारे ट्रूप्स जो है वो सेंटर में पहुंच चुके हैं, एक इन्फर्नो ऑलरेडी डाउन हो चुका है गाइस, एक इन्फर्नो बच गया है। और सेंटर में हमारे विचिस पर सब अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनके पास हीलर्स है। चलिए देखते हैं हमारा अटैक 3 स्टार हो पाता है या नहीं। एक इन्फर्नो मेन बच गया है, हमारे ट्रूप्स उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाते या नहीं देखते हैं। आर्चर क्वीन यहाँ पर बाहर है उसकी एबिलिटी के साथ, और अब एबिलिटी आर्चर क्वीन की हो चुकी है यूज़, विचिस भी बाहर आ चुकी है साथ में। चलिए देखते हैं अटैक 3 स्टार हो पाता है या नहीं। अब आर्चर क्वीन को भी हील मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। कम ऑन गाइस, वी कैन डू अ 3 स्टार अगेंस्ट टीएच 10 बेस अगेन। आर्चर टावर डाउन, कैनन भी डाउन। अब बचा है सिर्फ एक आर्चर टावर और एक इन्फर्नो टावर, चलिए देखते हैं अपने ट्रूप डिस्ट्रॉय कर पाएंगे या नहीं। अब सिर्फ बचा है गाइस एक सिंगल इन्फर्नो टावर,
हमारे ट्रूप्स इजीली डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, क्योंकि विचिस के बहुत सारे स्केलेटन्स है जो इन्फर्नो टावर का ध्यान भटका रहे है। और इसी के साथ गाइज अगेन TS9 वर्सेस TS10 अटैक हमारा सक्सेस होता हुआ, बहुत ही बड़ी आर्मी है ये गाइज, इसलिए पॉइजन बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ इस अटैक में, नहीं तो फिर से पहले की तरह फेल हो सकता था अटैक। ऑसम अटैक गाइज TS10 पर हमने कर दिया एक 3 स्टार। चलिए बाकी लोगों को डोनेट कर देंगे पहले। फिर जाएंगे दूसरी आईडी में अटैक करने के लिए। डोनेशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए फिर चलते दूसरी आईडी में। यहाँ पर भी देखिए पावर बूस्ट की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हीरोज़ को बूस्ट करना पड़ेगा। चलिए हीरोज़ बूस्ट कर लिए हमने। अब चलते हैं फिर से एक अनबिलीवेबल अटैक के लिए गाइस, TS9 वर्सेस TS10 अटैक। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट सारे चीज़ें सेंटर में है, तो हमें पहले सेंटर तक पहुंचना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा अलग अटैक करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर 4 विचिस और यहाँ पर 3 विचिस सेंटर में रखेंगे आर्चर क्वीन को, क्योंकि सीसी को भी टैकल करना है, इन्फर्नो को भी टैकल करना है और साथ ही साथ आर्चर क्वीन को भी टैकल करना है। चलिएगा इस बढ़ते अटैक की तरफ। वन टू थ्री फोर, साथ ही साथ 2 हीलर्स और यहाँ पर 3 विचिस और हीलर्स नहीं डालेंगे यहाँ पर। बार्बेरियन किंग हो चुका है डाउन। अब यहाँ पर डाल देंगे गोलम, आर्चर क्वीन, उसके साथ 3 हीलर्स। चलिए चलिए वॉल्स टूट चुकी है। अब यहाँ पर डाल देंगे जंप स्पेल और ये सीसी में से निकल चुके हैं ट्रूप्स, तो उन पर पॉइजन एंड फिर फ्रीज। कम ऑन गाइस सेंटर में जाओ, एक ड्रैगन बच चुका है और टाउन हॉल हो चुका है डिस्ट्रॉयड। अब दोनों जो इन्फर्नो टावर्स बचे हैं और दोनों अब आर्चर क्वीन की तरफ, आर्चर क्वीन की एबिलिटी यूज हो चुकी है, एक इन्फर्नो टावर डाउन। कम ऑन सेकंड भी डाउन करना है गाइस, सेकंड नहीं डाउन हो पाएगा। सो गाइस ये वेज हमारे लिए टफ साबित होता हुआ। चलिए अब हमारे ट्रूप सेंटर में जा रहे हैं, देखते क्या होता है। सारे हीलर्स के ऊपर स्निकिंग माइन पड़ गई, यानी कि अब हमारा अटैक ऑलमोस्ट फेल होने वाला है गाइस, लेकिन फिर भी हमने 2 स्टार ले लिए और 70% डैमेज भी मिल गया यहाँ पर। सो चलिए गाइस हम हमारा अटैक यहाँ पर होता है एंड, 72% डैमेज हम ले पाए अगेंस्ट टाउन हॉल 10 बेस।
सो अब जाते हैं नेक्स्ट आईडी की तरफ। चलिए दूसरा अटैक, दूसरे लोग अटैक कर रहे हैं, उनका अटैक देखते हैं। यहाँ पर देखिए TH10 वर्सेस TH11 अटैक है। सो ये भी एक बहुत ही खतरनाक अटैक होने वाला है हमारे लिए। यहाँ पर जो है वो TH11 का जो लाइटनिंग स्पेल का लेवल होता है वो कम होता है, इसलिए ये इन्फर्नो नहीं डिस्ट्रॉय हो पाएंगे गाइस। लेकिन फिर भी एक इन्फर्नो और ईगल आर्टिलरी हो चुके हैं डाउन। अब गोविच अटैक स्टार्ट हो चुका है। चलिए ऑसम फनल हो चुका है क्रिएट। अब सारे ट्रूप जो है वो अंदर जा रहे हैं और अब हमारे ट्रूप्स पहुंच चुके हैं सेंटर में। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अटैक चल रहा है लेकिन मोस्ट ऑफ ट्रूप हमारे डेड हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत TH10 वर्सेस TH11 अटैक है गाइस। फिर भी 2 स्टार्स करने में हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। चलिए TH10 वर्सेस TH11 अटैक में विथ 70% डैमेज हमें मिल चुके हैं 2 स्टार्स। ये बहुत ही बढ़िया अटैक रहा है यहाँ पर गाइस। सो चलिए 19 स्टार्स हो चुके हैं हमारे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आईडी की तरफ। यहाँ पर बॉलर्स रिक्वेस्ट हो चुके हैं तो बॉलर्स रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। चलिए जब तक बॉलर्स मिलते हैं हम दूसरी आईडी से अटैक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर तो ऑलमोस्ट सब रेडी है। यहाँ पर देखिए आर्मी तो हमारी मैक्स है लेकिन हीरो बूस्ट यूज कर लेते एक बार क्योंकि यहाँ पर भी TH11 वर्सेस TH12 अटैक होगा। नहीं, यहाँ पर TH11 वर्सेस TH11 अटैक ही मिला है हमें लेकिन हम जाएंगे ऊपर क्योंकि ऊपर वाले अटैक कर चुके हैं। चलिए यहाँ पर हम करेंगे अटैक।
लेट्स रोल ऑन फॉर द अटैक गाइस। अब डाल देंगे सारे हीरोज, फनल हो चुका है क्रिएट। और इसी के साथ सारे के सारे ट्रूप जो है वो सेंटर में पहुंच चुके। अब वार्डन थोड़ा आगे जाए तो हम वार्डन एबिलिटी भी यूज़ कर लेंगे। यस, परफेक्ट वैल्यू मिल चुकी है हमें। अब एक जो आर्च इन्फर्नो टावर बच चुका है वो बहुत ही डैमेज दे रहा है। और ये लास्ट इन्फर्नो टावर भी डाउन हो चुका है। अब हमारे गोलम्स आगे और आर्चर क्वीन पीछे विथ विचिस। तो चलिए देखते हैं अटैक 3-स्टार हो पाता या नहीं। अब बचे सिर्फ 3 डिफेंसेस, आर्चर टावर, विजार्ड टावर, कैनन और गोलम सारा डैमेज लेते हुए, ताकि हमारी आर्चर क्वीन पीछे सेफ है। और अब बचा है सिर्फ एक कैनन। आर्चर क्वीन हो चुकी है डाउन और इसी के साथ सारे डिफेंसेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और हमारा अटैक हो चुका है एक ऑसम 3-स्टार अटैक। चलिए धीरे धीरे हमारे भी स्टार्स बढ़ रहे हैं। बोलर्स कर देते क्विक डोनेट। अब चलते हैं नेक्स्ट आईडी में अटैक करने के लिए। यहाँ पर भी देखिए आर्मी हो चुकी है रेडी। TS9 वर्सेस TS9 अटैक है, लेकिन मेरा बेस मैक्स नहीं है और ओपोनेंट का बेस मैक्स है, इसीलिए हम यूज करेंगे पोशन। चलिए बढ़ते अटैक की तरफ गाइस। विचिस डाल दिए। अब यहाँ पर डालेंगे आर्चर क्वीन। सीसी है हैंडल करने के लिए, आर्चर क्वीन मेन है इसलिए। और अब डाल देंगे पॉइजन और फ्रीज। चलिए फनल हो चुका है क्रिएट, डाल देंगे बाकी के सारे ट्रूप्स। और अब हमारे ट्रूप्स पहुंच चुके हैं सेंटर की तरफ। यहाँ पर उन्हें एक हील दे देंगे।
अब हम पहुंच रहे हैं आर्चर टावर के ट्रैप की तरफ। देखिए सारे आर्चर टावर्स एक ही लाइन में। हमारे आर्चर क्वीन और बार्बेरियन किंग दोनों फुल हेल्थ पे। बार्बेरियन किंग की एबिलिटी भी बची हुई है और बार्बेरियन किंग के हिट पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि हमारे पास बहुत ही एडवांटेज है यहाँ पर। विचिज और बार्बेरियन किंग आर्चर क्वीन सब एक साथ एक्टिंग करेंगे, एक्ट करेंगे यार, फिर हमारा अटैक इजीली 3 स्टार हो जाएगा। अब देखिए बचे सिर्फ 4 डिफेंसेस, 2 कैनन, 2 मोर्टार, 1 विजार्ड टावर और हमारा बार्बेरियन किंग की एबिलिटी भी बची हुई है, तो एबिलिटी यूज कर लेते हैं। तो गाइस अब बचे सिर्फ 2 डिफेंसेस, कैनन ऑलमोस्ट डाउन होने वाला है, अब बचा है सिर्फ 1 मोर्टार और गोल्ड स्टोरेज। टाइम भी हमारे पास, तो इजीली अटैक भी हो जाएगा, 1 3-स्टार अटैक। दोनों तरफ से ट्रैप था यहाँ पर, एक तरफ था सीसी आर्चर क्वीन और बार्बेरियन किंग और दूसरी तरफ से सारे आर्चर टावर्स एक ही लाइन में। बहुत ही शानदार बेस था, लेकिन फिर भी हम 3 स्टार करने का 3 स्टार करने का कोशिश कर चुके हैं और अब हमारे अटैक हो चुके हैं 3 स्टार गाइस। तो चलिए आज का day 4 हो चुका है एंड इसी के साथ बाकी लोग अटैक करेंगे। चलिए बाकी लोग अटैक करते, थोड़े अटैक एक्सपेक्टेड करते। ये भी है TS10 vs TS10 अटैक ही है। चलिए यहाँ पर गो विश स्ट्रेटजी यूज़ की है, दोनों इन्फर्नोस डाउन। रिंग बेस है ये गाइस, नो रिंग बेस नहीं, आइलैंड बेस है ये। तो इन्फर्नोस ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, अब बाकी का अटैक शुरू करेंगे। सीसी में से निकल चुके बलून, बेबी ड्रैगन और ड्रैगन थोन पर पॉइजन और फिर फ्रीज भी डाल देंगे। तो चलिए धीरे धीरे सारे ट्रूप सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं और वॉल ब्रेकर पहुंचने वाला एकदम सेंटर की तरफ और वॉल ब्रेकर में बॉलर्स सो वो इजीली टाउन हॉल को डाउन कर देंगे। और इसी के साथ टाउन हॉल हो चुका है डाउन। ऑसम अटैक गाइस। क्लॉकवर्क किंग है और ऑटम क्वीन है और यहाँ पर देखिए विच इज बॉलर से यहाँ पर गोलम डैमेज ले रहा है। आर्चर में की एबिलिटी अभी बची हुई है, विच इज है स्केलेटन से उनके और सो ये अटैक इजीली 1 3-स्टार होने की चांसेस है। सिर्फ बचे 2 डिफेंसेस, मोर्टार और कैनन। ऑसम वर्क गाइस, और एक अटैक हमारा 3 स्टार होता हुआ यहाँ पर। ये याद रखेगा हमारा क्लैन अभी level 8 है और अपोनेंट के लिए level 12, फिर भी हम यहाँ पर जीतने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही मिसमैचिंग हो रहा है यहाँ पर, देखिए आप लेवल 16 क्लैन है, level 9, 12, 14 ऐसे क्लैंस के सामने हम कम्पीट कर रहे हैं, फिर भी डिमोट नहीं हो रहे, टॉप 5 में रहने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए
186 स्टार्स हो चुके और ये लोग अभी वो हार्ड क्लैन के सामने आ चुके जिसके सामने हम आए थे। और देखिए 21 अटैक्स में सिर्फ 8 स्टार मैनेज कर पाए, यानी कि अब हम ये वार्ड जीत जाएंगे और वार्ड जीतने के और एक्स्ट्रा 10 स्टार मिलेंगे, सो ये लोग से ऊपर हो जाएंगे, यानी कि हम फोर्थ पोजीशन पे ऑलरेडी पहुंच चुके। और ये क्लैन जो लेवल 12 का क्लैन अभी हमारे सामने है उसको भी हरा गए तो थर्ड पोजीशन पर भी आ सकते। तो चलिए गाइस डे 4 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन में डे 4 का रिजल्ट और डे 5 के लाइव अटैक दिखाने के लिए। सो देखते रहिएगा मेरे वीडियोस, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस, स्टे सेफ।